पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और आपको जो भी स्टेप यहाँ पे बता रहे हैं उसको फॉलो करें, उसके बाद आपको पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी मैं वीडियो में कोर्स कंटेंट में बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो पाइथन को इंस्टॉल करने से अलग ज़रूरत नहीं है, एक आईडी होता है जिसको हम लोग इंटर डेवलपमेंट एनाकोंडा है जो आईडी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं पाइथन को प्रैक्टिस करते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट आईडी है जैसे कि स्पाइडर और एनाकोंडा, बहुत से मार्केट में है बट एनाकोंडा बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 80-90% ऑर्गेनाइजेशन एनाकोंडा को ही यूज करती है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग कोई भी कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक एनाकोंडा के बारे में बताता हूँ कि एनाकोंडा है क्या। टू यूज पाइथन वी रिकमेंडेड एनाकोंडा फॉलोइंग आर द सम रीजन वाई एनाकोंडा वन ऑफ द बेस्ट डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग डेटा साइंस का पाइथन का कोडिंग करते हैं। ये ओपन सोर्स है सबसे पहली बात, क्योंकि उसमें कोई चार्जेज नहीं है। दूसरा 4000 पॉपुलर पाइथन पैकेज है जैसे कि पांडा, स्किटलर्न, साइफाई, मैटप्लॉटलिब, ये सारे मोर देन 400 पाइथन पैकेज है। इंटरप्राइज रेडी डेटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, मॉडर्न डेटा साइंस एनालिटिकल आर्किटेक्चर है, उसके बाद मल्टी वर्कलोड एनालिटिकल है। ये सारे बहुत से खूबियाँ हैं जहाँ पर एनाकोंडा में से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आपको सबसे पहले एनाकोंडा डाउनलोड कैसे करना है। तो आप गूगल में जाइए और anaconda.com खोलिए। आप यहाँ सिर्फ एनाकोंडा टाइप कीजिए, anaconda.com पे जाइए। anaconda.com में जब ये आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप जो भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पाइथन 3.7 आपको डाउनलोड करना है। जस्ट आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी 64-bit ग्राफिकल है या 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबसे पहले आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको एनाकोंडा 364-bit ऐसे आपको यहाँ पे आइकन बना हुआ आएगा। तो आइकन में बना हुआ आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाकोंडा नेविगेटर है, एनाकोंडा प्रमोट है, जुपिटर नोटबुक है। तो हम लोग बेसिकली जो पाइथन जो वर्क करेंगे वो जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करना है। तो जब भी जुपिटर नोटबुक आप क्लिक करेंगे तो ये अपना एक यूआरएल पेज से ओपन होगा। तो ये मिनिमम 1 या 2 मिनट आपको लगेगा जुपिटर नोटबुक को ओपन होने के लिए। तो ये देख रहे हैं कि ये जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा और जैसे जुपिटर नोटबुक होगा वो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक यूआरएल में ओपन करेगा। ये यूआरएल बेस्ड प्लेटफॉर्म है बट इसमें क्या वर्क करने के लिए आपको इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बिना इंटरनेट का भी ये वर्क करता है। यदि आपको जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ईज में खुला है, यदि आप इसको क्रोम में या कोई दूसरे यूआरएल में खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आ रहा है कि कॉपी पेस्ट दिस यूआरएल इनटू ब्राउजर व्हेन यू कनेक्ट टू द फर्स्ट टाइम टू लॉग इन ए टोकन। तो ये बेसिकली टोकन से लॉग इन होता है। तो आप क्या करें, इसको कॉपी करें। तो सपोज मैं इसको क्रोम में ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्रोम में जाइए और ये यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए। ये विदाउट इंटरनेट का भी यूआरएल चलेगा। तो यहाँ पे जितना भी बाय डिफ़ॉल्ट आप जब पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे फोल्डर बना हुआ आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जुपिटर का इंट्रोडक्शन बताऊँगा कैसे जुपिटर में वर्क करते हैं। तो इस कंप्लीट एक वीडियो रहेगा जिसमें आप जुपिटर का कैसे ओपन करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। तो
तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको जुपिटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि जुपिटर आखिर होता क्या है। तो जुपिटर इज ए ओपन सोर्स एंड इंटरेक्टिव वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पाइथन इंटरफेस फॉर डेटा साइंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटर। इसका जो एडवांटेज क्या है कि पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ये आर लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, ये सारे जितने भी एंटिकल लैंग्वेज वो सपोर्ट करता है। कंटेंट शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूशन, बिल्ट इन इंटरेक्टिव विजार्ड एंड डेटा प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन। और ये काफ़ी स्पीड में काफ़ी स्पीडफुल होती है, इसमें लेटेंसी नहीं होती है। इसी कारण मैं कोई भी दूसरे आईडी कंपैरिजन में एनाकोंडा का जुपिटर नोटबुक काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जुपिटर में कैसे वर्क करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको कोडिंग का स्टार्टिंग शुरू कर दूंगा। तो अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पांडे गुरु जी और स्टडी आईटी एजुकेशन पे डेटा साइंस ट्यूटोरियल का एक सीरीज है, वहाँ पर जाएँ और वन बाय वन हर एक वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।